हेलो फ्रेंड, आज आप लोगों को मैं दिखाऊंगा एचटीएमएल जो वेबसाइट का जो एचटीएमएल फाइल होता है वो कैसे बनाया जाता है। देखिए, मैंने ये एचटीएमएल पेज किया है, एक एचटीएमएल फाइल है और इस एचटीएमएल फाइल को मैंने बनाया है। तो इस एचटीएमएल फाइल को बनाने के लिए आपको CSS, HTML, JavaScript और Dreamweaver की कुछ काम और Photoshop के कुछ काम आपको सीखना पड़ेगा। तो पहले इस पेज का एक PHD डिजाइन करना होगा। देखिए मैंने किया है, यही है उस PHD का डिजाइन। ये जो मैंने बड़ा किया है, कंट्रोल अल्टर जीरो मार्कर बड़ा किया है, और छोटा करने के लिए आपको कंट्रोल जीरो मारना पड़ेगा। बड़ा करने के लिए कंट्रोल अल्टर जीरो और छोटा करने के लिए कंट्रोल जीरो। तो देखिए ये जो HTML फाइल जो मैंने बनाया है वो पहले HTML PHD में डिजाइन कर लिया है और इसमें बहुत सारा का अलाइनमेंट है। ये आपको मैंने बाद में सिखाऊंगा, पहले डिजाइन PHD में डिजाइन कर लेने चाहिए। इसके लिए करने का बाद जो डिजाइन का माप होगा, HTML का जो माप होगा वो आसानी से आप पकड़ सकते हैं। और बाद में आपको ये HTML बनाने में बहुत सुविधा होगा। तो आपको Dreamweaver में कुछ काम सीखना पड़ेगा। देखिए मेरा Dreamweaver ओपन किया हुआ है, और पहले एक काम आपको करना पड़ेगा, एक फोल्डर बनाना है और फोल्डर के अंदर में CSS बोलकर एक फोल्डर बनाना है, फॉन्ट बोल के, इमेज बोल के और PHD बोल के, ठीक है। और एक index.html फाइल तो हो जाएगा। तो ये जो index.html फाइल है, यही फाइल है, इसको मैंने मोजिला फायरफॉक्स में ओपन किया है। तो देखिए HTML फाइल बनाने के लिए पहले आपको JavaScript, CSS और Photoshop में PHD का काम जानना पड़ेगा। पहले आपको वो जो फोल्डर है वो फोल्डर बनाना पड़ेगा, एक फोल्डर के अंदर में इतने सारे फोल्डर बनाना पड़ेगा। और जो Dreamweaver खुल के यहाँ पे HTML में क्लिक करना पड़ेगा। ये जो HTML फाइल मैं सेव करूंगा, तो HTML फाइल सेव मैं इस फोल्डर के अंदर में करूंगा। तो देखिए यहाँ पे पहले HTML टैग्स के बारे में आपको बोल देना चाहिए। तो वो HTML जब मैंने क्लिक किया है तो Dreamweaver ऑटोमेटिकली यहाँ पे HTML एक कोट मेकिंग कर दिया है। तो इसमें देखिए डॉक टाइप है और HTML ओपन है, और यहाँ पे देखिए HTML ओपन है और यहाँ पे HTML क्लोज है। HTML का कोई भी टैग ओपन करने के बाद क्लोज करना पड़ेगा, ये बाध्यतामूलक है, नेसेसरी है। तो यहाँ पे देखिए हेड ओपन हुआ है और यहाँ पे देखिए हेड क्लोज हुआ है, यहाँ पे देखिए बॉडी ओपन हुआ है, यहाँ के देखिए बॉडी क्लोज हुआ है। तो पहले ये तो हेड ओपन करना पड़ेगा, जिस टैग को आप ओपन कीजिएगा उस टैग को आपको क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करने के लिए देखिए यहाँ पे ओपन करने के लिए यहाँ पे कोलन हेड और कोलन क्लोज, और आवर कोलन क्लोज करने के लिए कोलन, यहाँ पे एक स्लैश दिया हुआ है और हेड लेकर क्लोज,
ये क्लोज टैग है और यही है ओपन टैग। तो देखिए ये जो एचटीएमएल पेज है, ये जो यहाँ 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 से शुरू करके, यहाँ से शुरू करके जो यहाँ पर यहाँ तक, मैं जो पूरा जो जो आप डिजाइन देख रहा है, ये डिजाइन है बॉडी में होगा, इस बॉडी के अंदर में डिजाइन कोड लिखा जाएगा। और हेड हेड में दूसरा वाला कोड है, वो भी कोड लिखा जाएगा। और ये जो टाइटल दिख रहा है ना आप, ये देखिए टाइटल ओपन हुआ है और टाइटल क्लोज हुआ है, ठीक है। तो इस टाइटल टाइटल के अंदर में देखिए अनटाइटल डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। तो ये देखिए दिखा देख रहा है आप, जो रिफो कॉम बोल के एक लिखा आ रहा है, तो यही नाम मैं यहाँ पे लिख दूँ तो वो ऊपर में शो करेगा, वो टाइटल हुआ है। ये टाइटल होता है एक पेज का, एक टाइटल होता है। तो पहले आपको एचटीएमएल टैग के बारे में जानना पड़ेगा, सीएसएस के बारे में जानना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट के बारे में जानना पड़ेगा। मैं आपको एक सीएसएस फाइल दिखा रहा हूँ, देखिए ये जो फाइल है ये सीएसएस फाइल है, ये पूरा फाइल सीएसएस फाइल है। और एक बात बोल दूँ, जो ये जो डिजाइन है ये डिजाइन रिस्पॉन्सिव नहीं है, ये डिजाइन नॉर्मल डिजाइन है। रिस्पॉन्सिव होगा तो मोबाइल में चलेगा और डेस्कटॉप में भी चलेगा, टैबलेट में भी चलेगा। ये डिजाइन ओनली फॉर डेस्कटॉप में ही चलेगा, मोबाइल डेस्कटॉप और लैपटॉप, मोबाइल टैबलेट में नहीं चलेगा, काट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सीएसएस का, सीएसएस स्टार्ट होता है, सीएसएस का जो एक टैग होता है वो आपको जो भी होगा आपको नाम देना पड़ेगा। तो हमने एक नाम नाम दिया है बॉडी टैग। तो यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट ओपन किया है और थर्ड ब्रैकेट क्लोज किया है। इसके अंदर में जो लिखा हुआ है जेम बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर है ये, और देखिए यहाँ पे सेमी कॉलन दे के क्लोज किया है। फॉन्ट फॉन्ट लिखकर यहाँ पे एक कॉलन देना पड़ेगा, और फॉन्ट नॉर्मल है, फॉन्ट 13 पिक्सल है फॉन्ट का साइज, और फॉन्ट का लाइन हाइट है 19 पिक्सल। देखिए 13 और 19, 13 पिक्सल आप फॉन्ट लिखेगा तो इसमें 13 पिक्सल के लिखने के बाद आपको यहाँ से 6 ऐड करना है, तो 6 7 6 9 होगा, 19 पिक्सल होगा। तो यहाँ पे फोन का नेम है, तो देखिए यहाँ पे एक नेम है और कॉमा है, और एक नेम है और कॉमा है, और एक नेम है और सेमी कॉलन है। तो समझे जो जो भी ब्राउजर में आप, जो भी मशीन में आपका ये वेब पेज खुला जाएगा, तो पहले वो ब्राउजर आपका मशीन लोकल मशीन से एरियल फोन सर्च करेगा। तो एरियल फोन नहीं मिला तो हावाटिका सर्च करेगा, तो हावाटिका का नहीं में नहीं मिलेगा तो सनस्लिप सर्च करेगा, और ये तीनों तीनों भी नहीं मिलेगा तो डिफॉल्ट फॉन्ट में खुल जाएगा वेबसाइट। तो फॉन्ट का जो कलर होता है, फॉन्ट का कलर है ब्लैक, देखिए यहाँ पे ब्लैक का कलर कोड दिया हुआ है और सेमी कॉलन देकर क्लोज किया हुआ है। और पेडिंग है और मार्जिन है, पेडिंग मार्जिन का जो कॉन्सेप्ट है मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डीप टैग है, कोलोन है, टीडी है, कोलोन है, टेबल टीडी मतलब टेबल डेटा, डीप मतलब डीप, ठीक है। और H2 है, H5 है, और H6 है, फ्रॉम है, इनपुट है। पेडिंग यहाँ पे 0 हुआ है, मार्जिन यहाँ पे 0 हुआ है। तो ये जो डीप टैग है और टीडी है और H2 है, H5 है, H6 है, फॉर्म है और इनपुट है, इसमें सब कुछ में पेडिंग 0 और मार्जिन 0 पहले से ही मैंने कर दिया है। इसी तरह इमेज, जो इमेज का जो टैग है इसमें बॉर्डर 0 है, विड्थ 100% है, हाइट ऑटो है। यूएल जो टैग है यहाँ पे पेडिंग 0, मार्जिन 0, और लिस्ट टाइप टाइम लिस्ट स्टाइल टाइप नान,
इसका एक फंक्शनलिटी है, मैं आपको बाद में बोलूँगा। और ए टैग में मैंने एंकर टैग में हेडिंग जीरो, मार्जिंग जीरो, और आउटलाइन मतलब आप लोग समझते हैं, आउटलाइन नान माने अंडरलाइन, नान आउटलाइन नान, ठीक है। और ए एक स्पेक्टर बोल का एक वो है, तो इसमें पेडिंग जीरो, मार्जिंग जीरो और क्लियर बोथ, क्लियर बोथ एक एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बोलूंगा। तो इसमें और भी बहुत सारे कोड है, इस कोड में बोलूंगा। तो देखिए एक बात आपको मैं बोल रहा हूँ, जो ये पेडिंग और मार्जिन के बारे में, पेडिंग होता है, पेडिंग और मार्जिन जो होता है, पेडिंग जीरो और मार्जिन जीरो, पेडिंग और मार्जिन का कॉन्सेप्ट होता है जो, देखिए यही जो यहाँ पे जो एरिया है, समझे, ये समझ लीजिए यही तक एरिया है। यहाँ से ये जो बॉर्डर है, यहाँ से जो बाहर का जो है स्पेस है, इसको बोलता है मार्जिन। और इसका जो अंदर का जो स्पेस है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, जो एक स्पेस है, ठीक है जी, दिख रहा है यहाँ पे एक स्पेस है, दिख रहा है ये जो पिक्चर है, और पिक्चर के बाद में एक स्पेस है, तो इसको बोलता है पेडिंग। और इस यही यहाँ से और इस यहाँ तक जो स्पेस है, इसको बोलता है मार्जिन। तो बाद में आप लोगों को मैंने पेडिंग और मार्जिन के बारे में बहुत सारा बात बोलूँगा और करके दिखाऊंगा, अभी तक यही तक। और मेरा सेकेंड जो वीडियो आ रहा है, और सेकेंड वीडियो में आप लोगों को मैं बोलूंगा पेडिंग, मार्जिन और सीएसएस के बारे में बहुत सारा कॉन्सेप्ट दूंगा, और एचटीएमएल के बारे में बहुत सारा कॉन्सेप्ट दूंगा आप लोगों को। और मेरा सेकेंड वीडियो जल्द से जल्द लॉन्च होगा, और मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए।